क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है, आप अगर मेरी बात सुनेंगी ना तो आप भी हंस हंस के पागल हो जाएंगी। कुत्ते पीछे लग गए थे मेरे, अच्छा भला मैं जा रही थी और पीछे से भौंकने लगे, मैंने भागना शुरू किया तो उन्होंने भी मेरे पीछे भागना शुरू कर दिया। अच्छा अभी हिना भाभी आने वाली हैं। हिना भाभी वो कौन है? अरे होने वाली सास, क्या हो गया? अच्छा उनका नाम हिना है? लो मुझे तो यही नहीं पता। अच्छा बस ज्यादा फजूल मत बोलो और जाके अपना हुलिया ठीक करो। हुलिया? क्यों, क्या क्या बुराई है इस हुलिये में? इतनी प्यारी तो लग रही हूँ मैं। क्या बहस करती रहती हूँ हर वक्त, जो कहा है वो जाकर करो। ये फजूल बहस है, मतलब मैं आपके सारे काम करती हूँ, सब्जी, हरा धनिया, हरा पुदीना, हरी मिर्ची सब कुछ लेकर आती हूँ आपको, मैं फजूल लगती हूँ? एक तो मेरे पीछे गुत्ते पड़ गए और पता है कितने बड़े बड़े थे, अगर मैं गली के कोने तक भाग के नहीं आती तो सब मेरे पीछे। बस बस कर दो, तुम्हारा मुँह है कि रेडियो बजता ही रहता है हर वक्त? जाओ जाके हुलिया ठीक करो अपना। हो सकता है कल खुद मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख के उनको, वो मुझसे शर्म, मैं कह दूंगा दिल पर मैंने शायद। इतना अच्छा गाना बंद कर दिया, तपा हुआ क्यों है? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मसला क्या है भाई। तू अगर इस शादी से इतना अपसेट है तो मना कर दे। यार यही तो मसला है कि मैं नहीं मना कर सकता, क्योंकि ये मेरे मरहूम बाप और जिंदा अम्मा की यही ख्वाहिश है बस। तो फिर कर ख्वाहिश पूरी, टेंशन क्या है? मैं सवेरा से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, उसके अलावा मैं किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। भाई देख हमजा, सबसे पहले तो ये डिसाइड कर तेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, सवेरा या तेरे माँ बाप की ख्वाहिश। यही तो मैं डिसाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा, इसीलिए तो तुझसे मशवरा मांग रहा हूँ। मेरे पास कौन सा अलादीन का चिराग है जो इतने गंभीर मसले में तुझे मशवरा दूँ? देख हमजा, ज्यादा से ज्यादा मैं तुझे ये मशवरा दे सकता हूँ कि हमजा तू शादी कर ले, या फिर हमजा तू शादी ना कर, तीसरी कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। बस इंसान सारा दिन बैठ के आपकी बकवास सुनता रहे, मौसूफ ने पीएचडी कर रखी इन कामों में, भाई तू काम की बात नहीं कर सकता। अच्छा तो आप मौसूफ को अकल की बात कर ले, हैं? आगे है कुआं और पीछे खाई, जहाँ कूदना है कूद जा मेरे भाई। आप तो चुपी कर जाए, बाकायदा फजूल इंसान है आप, फायदा ही कोई नहीं, बेकार आदमी। मजा आएगा, दुल्हन बनूंगी मैं और घूंघट तो इतना लंबा डालूंगी ताकि कोई मेरा चेहरा ही ना देख सके। लेकिन तो शर्माना भी तो होगा, तो बड़ा ही मुश्किल काम है। कोई बात नहीं, घूंघट के अंदर ही होंगी, कौन शर्मा रहा है कौन हंस रहा है किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। और तो और घूंघट डाल के उसके अंदर से सबको देखूंगी कि कौन आया कौन क्या कर रहा है, ठीक है? अच्छा तो आप भी कपड़े तो देखें। सुनो रजिया, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बोले बोले बोले। देखो क्या तो तुम बहुत बेवकूफ हो, ये इतनी भोली हो कि तुम्हें पता ही नहीं कि कब कहाँ और कौन सी बात करनी है। क्यों, मैंने क्या कर दिया? कुछ नहीं किया, मैं बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अब तुम्हारी शादी हो रही है ना तो जरा ख्याल रखना, जो इतना मुंह फाड़ फाड़ के तुम बोलती हो ना इस पे जरा कंट्रोल रखना। मैं ना बहुत सोच समझ के बोलती हूँ, और वैसे भी मैंने अपनी उर्दू की किताब में पढ़ा था कि पहले सोचो फिर तोलो और फिर बोलो। लेकिन मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई है। अच्छा आप बोले बोले। देखो हमजा एक बहुत संजीदा तबीयत का लड़का है। बिल्कुल मेरी तरह है ना? जी नहीं, बिल्कुल तुम्हारी तरह नहीं। क्यों, आपको मैं संजीदा मिजाज लड़की नहीं लगती हूँ? क्या 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 कह रही हैं आप? आपको याद है आपको पिछले हफ्ते मैंने दो संजीदा ड्रामे देखे, उसकी वजह से मैं कितना रोई हूँ और मैंने कितनी प्रैक्टिस की संजीदा रहने की, और तो और मेरा अब हंसने का भी दिल नहीं चाहता। आप कह रही हैं मैं आपसे बात नहीं करती। कितना फजूल बोलती हो तुम, हैं? मैं तुमसे क्या बात कर रही हूँ और तुम बात को कहाँ से कहाँ ले गई हो? अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, बोले बोले। देखो खुदा का वास्ता तुम दूसरे घर जा रही हो, जरा ख्याल रखना वरना लोग तुम्हें पागल समझेंगे। सही बात है, लेकिन पता है क्या, मैं जैसी हूँ ना मैं वैसे ही रहूंगी, अगर मैं फजूल हो जाऊंगी ना तो लोग कहेंगे कि ये एक्टिंग कर रही हो, और एक्टिंग नहीं होती मुझसे। अब तो मैं सिर्फ खुदा से दुआ ही कर सकती हूँ कि अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे, वरना दिमाग तो तुम्हारा ना बिल्कुल खराब हो चुका है। नहीं नहीं, अरे मेरी बात तो सुने, दिमाग मेरा बिल्कुल ठीक है लेकिन आप लोग सुनते नहीं है, मेरी बात को ना समझते हैं। ठीक है, पता नहीं मैंने क्या कर दिया। अच्छा खैर, मैं तो अपने घूंघट की प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मैंने कितना।
कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ, कितना खर्चा हुआ होगा ना इन सब चीजों पे। अच्छा खूबसूरत सजाया ना? खूबसूरत नहीं, बहुत खूबसूरत, बेहद हसीन। हाय अल्लाह, मुझे तो हैरत हो रही है इस कमरे को देख देख के। या ये पूरा कमरा मेरा है? आपका और हमजा साहब का भी है। आपको किसी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बता देना। इतना बड़ा टीवी, हाय अल्लाह मियां, ये कमरा तो मुझे सिनेमा हॉल की तरह लग रहा है। कितना मजा आएगा ना फिल्म देखने में, क्या बात है। इतनी सारी चीजें कौन लगाता है? इतने महंगे परफ्यूम। I'm really sorry, वो तो मैं तो वैसे ही देख रही थी, लेकिन बहुत अच्छे वाले परफ्यूम है, थोड़ा सा मैंने लगा कर देखा, लेकिन I'm sorry, मैंने आपके बगैर इजाजत के वो परफ्यूम लगा लिया। गुनाह होता है ना किसी की इजाजत के बगैर किसी का सामान देख लेना, और गलती से गिर भी गया। क्या हो गया? सने, मैं ना आपसे सॉरी करना चाहती हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि आप मुझसे नाराज हैं। मैंने गलती की थी ना, मुझे बगैर पूछे किसी की चीज नहीं उठानी चाहिए थी, और आपकी नाराजगी भी तो बिल्कुल ठीक है। ये टाइवान ना कितना मुश्किल होता है ना। मेरे अब्बू ना बैंक में जॉब किया करते थे, तो मेरी अम्मी उनके लिए टाई बांधा करती थी, और टाई बांधने में सबसे ज्यादा मुश्किल की जो ये होता है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ समोसा, सबसे ज्यादा मुश्किल है ना ये बांधना। लेकिन इसका नाम समोसा क्यों रखा गया है? क्योंकि इसकी शक्ल समोसे से मिलती है, इसीलिए इसका समोसा नाम रखा गया। लेकिन ना मुझे समोसा कीमे वाला भी बहुत पसंद है, आपको पता है। अच्छा सुने, नाराजगी खत्म कर देना, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझसे नाराज हो। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, हमेशा सब खुश रहे। प्लीज आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? कि गूंगे तो नहीं है आप? हाँ 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 हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने खुद फिल्मों में देखा है। अमीर घर के जो लड़के होते हैं ना, गूंगे, लंगड़े, लूले, बहरे, उनकी शादियां गरीब घर की बेटियों से हो जाती हैं। और आप शादी के फंक्शन से लेके आज तक कुछ बोले ही नहीं। हाँ हूँ भी नहीं बोले, मुझे तो डर है कि खुदा ना खास्ता आप कहीं गूंगे तो नहीं है ना? मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं गूंगा। बोले, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपने कुछ बोला, अपने मुंह से कुछ कहा तो सही, वरना मैं समझ ही नहीं कि आप तो गूंगे। अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। अच्छा सुने मेरी बात, मैं ये कह रही थी कि आप जरा जल्दी वापस आ जाएंगे घर आज शाम को? मेरा मतलब है कि आराम से, जब दिल चाहे, कोई मसला ही नहीं है, जल्दी किसको है, तो आपका जब दिल चाहे आ सकते हैं आप। टाई, अरे आपकी आपकी टाई, टाई तो लेते जाए। समोसा, कोई बात नहीं, शुक्र है कि ये गूंगे नहीं है, टाई भी सीख ही लूंगी। यार तुझे सब कुछ फनी लग रहा है? फनी नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा फनी। मतलब तू इतनी देर खामोश रहा कि भाभी तुझे गूंगा समझने लग गई। मुझे सवेरा की टेंशन है ज्यादा। यार मैंने उसे ये बहाना किया था कि मैं काम के सिलसिले में एक हफ्ते के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, ताकि ये शादी के दिनों में उसकी मेरी मुलाकात ना हो सके। भाई तू एक काम कर, सवेरा को सब कुछ सच बता दे और उससे अपनी जान छुड़ा ले। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। उससे प्यार करता हूँ मैं, प्यार, उसको टाइम पास के लिए नहीं रखा मैंने। पर बाबू तुम्हारी शादी हो चुकी है। ई शादी ना होवे, ई जबरदस्ती का थोपा हुआ शादी होवे। भाई तू माने या ना माने, तेरी शादी अब हो चुकी। अब जल्द से जल्द सवेरा को बता दे और कंफ्यूज ना, और उसकी जिंदगी बर्बाद ना कर। देख बाबू।
मैं तो इतनी अच्छी फिल्म देख रही थी इतने बड़े टीवी में, लग रहा है कि मैं किसी सिनेमा में बैठ के देख रही हूँ। जैसे ही आपने दरवाजा बजाया मुझे लगा टिकट चेक करने वाला आ गया। बेटा अगर तुम बिजी ना हो तो मैं अंदर आ जाऊं? मुझसे पूछ रही हूँ। जाहिर है भाई, तुम्हारा कमरा है, तुम्ही से पूछूंगी ना। अरे आइए, ये पूरा घर आप ही का तो है, मुझसे इजाजत लेने वाली क्या बात है, बैठ जाएं आप। किसी के बेडरूम में आने से पहले इजाजत लेनी चाहिए, इंसान मसरूफ भी तो हो सकता है। मसरूफ? और मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो इतनी अच्छी फिल्म देख रही थी इतने बड़े टीवी में, लग रहा है कि मैं किसी सिनेमा में बैठ के देख रही हूँ। जैसे ही आपने दरवाजा बजाया मुझे लगा टिकट चेक करने वाला आ गया। मजाक कर रही हूँ, मेरी आदत है मजाक करने की। मैं जानती हूँ मजाक कर रही हूँ, क्या करूँ, मुझसे चुप नहीं रहा जाता ना इसीलिए। और आपको पता है मुझे पूरे 600 बल्कि नहीं 700 या 800 लतीफे आते हैं, कभी आपको सुनाऊंगे तो आप ही हंस हंस के पागल हो जाएंगे। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है बेटा। बताएं। हमजा आजकल बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है, शायद वर्कलोड की वजह से टेंशन ले रहा है वो। हाँ, और शायद उन्हें ना गुस्सा भी ज्यादा आने लगा है। क्यों, तुमसे कुछ कहा है उसने? उसे कहा तो कुछ नहीं है, लेकिन ना वो नाराज है मुझसे भी। वो क्या है ना, मैंने उनका परफ्यूम उठा लिया था उनकी बगैर इजाजत के, और जाहिर है किसी की बगैर इजाजत के कोई चीज उठा लेंगे तो गुस्सा तो आ ही गई, इसीलिए वो शायद नाराज हो गए। लेकिन आप क्या कह रही थी, आपकी बात रह गई। मैं ये कह रही थी बेटा कि तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो। बुरा तो मैं तब मानू ना जब वो मुझसे कोई बात करें, तो तुम मुझसे कोई बात ही नहीं करते, आते ही चले जाते, कुछ बोलते भी नहीं, और आप बिल्कुल भी फिक्र ना करो, मुझे गुस्सा नहीं आता। और तो और मैं किसी की बात दिल पे भी नहीं लेती, मुझे बुरी नहीं लगती है। फिल्म देख लूं? So, how was Malaysia? How was your trip? You had fun? Yeah, Malaysia to it's a great country. Yeah. Samandar tha, asman tha, building se bhara hua tha. Wow, what a trip, yaar. Maza aa gaya. Hamza, I told you about my uncle. Tum se milne gaye? He's very jolly. Nahin, main nahin mil saka. Bahut busy tha. Foran wapas aa gaya. Isso. मेरे लिए क्या लाया हो? है क्या मतलब? खुशी का है? नहीं, लेकर आया हूँ। तो फिर निकालो। अभी नहीं लाया हूँ। क्या मतलब? अभी ऑफिस से आया हूँ और जो तुम्हारा गिफ्ट है वो घर पे रखा हुआ है संभाल के। अच्छा, वैसे लाए क्या हो? पता नहीं। पता नहीं क्या मतलब? मुझे पता है लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तुम जो मर्जी कर लो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा मैं क्या गिफ्ट लेकर आया हूँ। ओह, समझ गई। सरप्राइज देना चाह रही हूँ। यस सुविधा, फुल ऑन सरप्राइज। लेट मी गेस, इसका मतलब है कि कोई बड़ी चीज लेके आए हो, है ना? सवेरा, तुम चाहे मुझे कांटे चुभो या छुरियां मारो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैं क्या सरप्राइज लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। वैसे हम साहब, तुम मुझे आज कुछ डिफरेंट लग रहे हो, क्या बात है? कहाँ से? क्या मतलब कहाँ से? बातों के अंदाज से? You sound little bit confused. नहीं, no. Look at me. Come on. नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं समझ गई क्या बात? क्या समझ गए? देखो, जो तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। लेकिन अभी तो मैंने बताया ही नहीं कि क्या बात है। हाँ ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि यार तुम क्या समझ रही हो। मेरा मतलब है कि तुम सुबह ही ट्रैवल करके आए हो, फिर ऑफिस चले गए, फिर 10,000 मीटिंग्स होंगी ऑफिस में, और फिर मैंने तुम्हें यहाँ डिनर पे बुला लिया। यू मस्ट बी टायर्ड, थक गए होगे ना? आई एम ऑलरेडी डोजिंग ऑफ। तुम सही कह रही हो, मैं आई एम रियली स्लीपी। कोई बात नहीं, जल्दी से खाना खत्म करते हैं, निकलते हैं। या yeah.
देर से आया तुम? वो मामा ऑफिस में बहुत जरूरी काम था इसलिए लेट हो गया। रजिया कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, पता है ना नई नवेली दुल्हन है वो। अब नई नवेली दुल्हन के चक्करों में ऑफिस का काम तो नहीं खराब कर सकता। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हें सलाम किया उसने? सुना नहीं होगा ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चले ना चलकर खाना खा लेते हैं, मैंने लगा दिया ठंडा हो जाएगा, पेट में ना चूहे दौड़े। वैसे कितनी अजीब से मिसाल है ना, पेट में भी चूहे कैसे दौड़ सकते हैं, है ना? बेटा तुम अंदर जाओ, मैं भेज रही हूँ हमजा को। जी। आप जाइए, जाके उसके साथ बैठकर खाना खाइए। शायद तुम्हें याद नहीं कि दवा खानी होती है ना, 8 बजे खाना खा लेती हूँ मैं। तुम्हें उसके साथ बैठकर खाना खाने में क्या प्रॉब्लम है? मैं खाना खा कर आया। ये क्या हरकत की है तुमने? तुम्हें पता नहीं था तुम्हारी बीवी घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही है खाने का? मामा मैंने आपको पहले भी बताया था कि बीवी के चक्करों में मैं काम नहीं छोड़ सकता, उसी दौरान मुझे भूख लगी मैंने खाना खा लिया। और आप उसे भी समझा दीजिए कि वो भी मेरा इंतजार मत किया करे। आहिस्ता बोलो, जाकर उसके साथ बैठ जाओ। कम से कम तुम बैठ तो सकते हो ना। क्या बातें, सोचे ही जा रहे, खाना क्यों नहीं खा रहे? मैं निकाल देती हूँ। खाना और मरना अपना। वैसे आपकी आदत तो बहुत ही अच्छी है, आप अपने सारे काम खुद ही करते। मेरे जो मामू है ना, इफ्तिखार मामू, उनकी बीवी यानी कि मेरी मुमानी, वो मामू के सारे काम क्या करती है, इवन फाइलें लाना, ऑफिस की चीजें संभालना, लैपटॉप चार्ज करना, जूते पॉलिश करना, खाना बनाना, खाना बांध कर देना, सारे काम वो खुद ही करती है, यहाँ तक कि इस्त्री भी। वैसे आप अपने कपड़े खुद इस्त्री करते हैं? नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं इस्त्री कर दूंगी, लेकिन आप क्या इस्त्री कौन सी है, हल्की वाली या भारी वाली? पता नहीं, इसीलिए पूछ रही थी कि भारी वाली होगी तो कपड़े ज्यादा अच्छे इस्त्री होंगे, हल्की वाली से कपड़े सही इस्त्री नहीं होते। हाँ तो मैं इफ्तिखार मामू का बता रही थी, इफ्तिखार मामू को अगर मुमानी खाना प्लेट में डालकर देना, वो तो तभी खाना खाते हैं। और अल्लाह ना करे कभी मैं सोच रही थी कि मुमानी का इंतकाल हो गया तो इफ्तिखार मामू तो भूखे ही मर जाएंगे। वैसे कितनी बुरी बात है ना कि किसी के जिंदा होने के बावजूद भी उसके मरने की बातें की जा रही हैं। मैं पहले थका हुआ था, अब तुम्हारी बातें सुनने के बाद मैं मरने वाला हो गया हूँ, लिहाजा मैं सोने मरने जा रहा हूँ। और ये जो खाना है अपने इफ्तिखार मामू के ना मुंह में डाल दो जाकर। तुम आप नहीं खाएंगे? वैसे हुआ क्या, भाभी क्यों चली गई? भाई कल रात मैंने गुस्से में आके उसे बहुत कुछ कह दिया और साथ ये भी बता दिया कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, और ऊपर से मैंने ये भी कह दिया कि अगर तुम इस घर से जाना चाहती हो तो बेशक चली जाओ। अबे बहुत फास्ट नहीं चलना भाई, तेरी शादी को भी एक महीना नहीं हुआ और तूने ये गुल खिला दिया। यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कमरे से बाहर कैसे जाऊँ। ओहो हमजा, बच्चों वाले सवाल कर रहा है, दरवाजे से जा और कहाँ से जाएगा? सुने, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। मैं कहना चाह रही थी कि माना कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मैंने उस गलती के लिए माफी मांग ली है। अब इतना लंबा कोई किसी से नाराज थोड़ी होता है, इतनी एक बड़ी कोई बात भी नहीं है, तो मेरे ख्याल है आपको चीजें दरगुजर कर देनी चाहिए। क्या ख्याल है आपका? मेरी बात सुनो, नाम
जाहिर है। रजिया भाभी सब बता कर ही गई होगी। भाई देख, पहली बात यह है कि तुझे ये शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। यार तू वही घिसा पिटा रिकॉर्ड मत चला, अब शादी हो चुकी है समझा, अब आगे की बात कर। चल फिर अगली बात चेंज, रोज दलील होने से बेहतर यह है कि आंटी को सब बता दे और एक ही दफा दलील हो जा। कैसा? सुबह सुबह तुम्हें उठाकर तुम्हारे मुंह में जहर डाल देना चाहिए। ये मेरी गलती है जो मैंने तुम्हें फोन कर दिया प्रॉब्लम में। समझिए आप, आइंदा ख्याल रखियो भाई। अच्छा बकवास बंद कर, मुझे ये बता कि तेरे पास मलेशिया की कोई चीज पड़ी हुई है? तेरे तो मामू रहते हैं मलेशिया में। हाँ भेजते रहते हैं, वैसे तू क्यों पूछ रहा है भाई? यार मैंने सवेरे से कहा था कि मैं मलेशिया से उसके लिए कोई बहुत ही खास गिफ्ट लेकर आया हूँ जो कि मुझे भी नहीं पता। तू प्लीज कोई भी गिफ्ट अच्छा सा अरेंज कर दे तो उसको दे दूंगा मैं। चल ठीक है, मैं तेरे पास आता हूँ, तू टेंशन ना ले। मैं हूं ना। थैंक यू यार, हालांकि तेरा फिट है मुँह लेकिन फिर भी तेरा शुक्रिया यार। थैंक यू, ओके बाय बाय बाय। रहमत बीबी, रहमत बीबी। जी साहब जी। अब वो जल्दी से मुझे नाश्ता दे दीजिए, मुझे बहुत देर हो रही है। आपका नाश्ता आ रहा है। अच्छा मामा कहाँ है? वो तो अपने कमरे में। और की तबीयत ठीक है? तबीयत तो ठीक है लेकिन सुबह से मूड ठीक नहीं है। क्यों? पता नहीं मुझे। अच्छा ठीक है, आप जाएं नाश्ता लेकर आए। ठीक है। नाश्ता। तुम गई नहीं? नहीं। मैं तो समझा था कि तुम चली गई हो। अब इतनी सी बात पे घर छोड़ के थोड़ी ना जाता है इंसान। तुमने मामा को तो सब कुछ बता दिया होगा ना? क्यों क्यों बता दिया होगा? पागल नजर आ रही हूँ मैं? नहीं नहीं, मैं पागल नजर आ रही हूँ? इतनी समझदार हूँ मैं, मुझे पता है कि मियां बीवी के दरमियान छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है, सबको तो बताना नहीं चाहिए ना। तो फिर मामा का मूड क्यों ऑफ है? वो तो सुबह सुबह माली पर गुस्सा कर रही थी इसीलिए ऑफ है। चलो शुक्र है। क्या कितनी बुरी बात है, एक माली को सुबह सुबह डांट पड़ गई, कहीं गरीब आदमी है वो और आप कह रहे हैं कि शुक्र है? मामा मैं कोई और बात कर रहा हूँ, तुम जाओ और नाश्ता लेकर आओ। लेकिन नाश्ता तो ये पड़ा। हाँ ना, तो बस तुम जाओ। मुझे भी नाश्ता कर और मुझे भी ना आपकी नजरों के सामने बैठे रहने। अच्छा तो फिर तो मेरी नजरों के सामने बैठो लेकिन खामोश बैठो। हाँ और खामोशी वो क्या होती है? वो ये होती है कि मेरे हाथ में डुगडुगी पकड़ा दो, मुझे सर्कस में छोड़ दो और मैं सारा तुम्हें नाच करके दिखाऊं। खुदा का वास्ता जुबान को दो मिनट के लिए कंट्रोल कर लो प्लीज, सुबह सुबह का टाइम है। कोई डांस आता है? मुझे बहुत अच्छा आता है, ये देखो पीला जूस पियो और यम्मा यम्मा ये सब करते रहो, सब तुम्हें करके दिखाऊंगा। मेरे दोस्त तूने बोला और मैं देख तेरे लिए ले आया मलाइशिया का सामान। और ये क्या बकवास है भाई? ओ मैन, तुझे सब बकवास लग रहा है? ये मामू ने मलाइशिया से नानी के लिए भेजा, स्पेशल इम्पोर्टेड है और मैं उठा के तेरे लिए ले आया हूँ। पर ये है क्या? गुड क्वेश्चन। ये है इम्पॉर्टेंट स्पेशल क्वालिटी की हल्दी जो तुझे यहाँ से मिलेगी। नंबर दो, नानी के जोड़ों में दर्द रहता था, मामू ने मलाशिया से स्पेशल नानी के लिए तेल भेजा। और सबसे कमाल चीज, और चेक, नानी को सुपर मास्क के उठने में मसला होता, इसके बाद से नानी तो क्या कवर के मुर्दे भी उठ जाते हैं। रख रख इसे अपने पास रख। मेरा दिल कह रहा है मैं ये तेल लगा के तेरा सर फाड़ दूं। क्यों? अब मैंने क्या किया? मैं ये गिफ्ट दूंगा उसको? मैं तो तेरे आश्रय में बैठा था कि तू कोई ढंग की चीज लेकर आएगा, अब मैं ये कहां तेल पानी देता रहूंगा उसको। भाई ये सैंडल ड्रेसेस परफ्यूम से बाहर निकलो, उससे कहना कुछ डिफरेंट देने का सोचा। वो मेरे साथ यहाँ पे लंच करने ऑफिस आ रही है और मैंने तुझे कहा था कि कोई ढंग की चीज लेकर, तू ये क्या हिकमत की चीजें ले आया। लो बच गई घंटी मेरी, आ गई। शुक्र है अल्लाह। मामा जी जी, हेलो मामा। हमजा बिजी तो नहीं हो? नहीं बिल्कुल नहीं मामा, बताएं। बेटा रजिया को उसकी अम्मी की तरफ जाना है, अगर तुम थोड़ा सा टाइम निकाल
निकाल कर आ जाओ तो उसे उसकी अम्मी के यहाँ छोड़ आओ। I would love to, लेकिन अभी आधे घंटे में मेरी मीटिंग स्टार्ट है तो I won't be able to make it। अब मैं अकेला तो उसे नहीं भेज सकती ना, बहुत बुरा लगता है बेटा। मैं कुछ करता हूँ, मैं आप बल्कि मैं काम करता हूँ, मैं अहमद को भेज रहा हूँ, अहमद उसको ड्रॉप कर देगा। अरे बेटा तुम्हारे जाने में और अहमद के जाने में जमीन आसमान का फर्क है, तुम दामाद हो उस घर के। मामा मैंने आपको बताया ना, मैं वाकई बिजी हूँ, नहीं हो सकता पॉसिबल, मैं अहमद को भेज रहा हूँ, सब काम हो जाएगा, तसल्ली रखिए, खुदा हाफिज। खुदा हो जाएगा, खुदा हाफिज। अहमद फौरन घर चला जा और रजिया को प्लीज उसके पेरेंट्स की तरफ ड्रॉप कर दे। थैंक यू। मैं? हाँ तुम, वैसे तुम किसी काम नहीं आते, कम से कम मेरे एक काम तो आ जाओ मेरे भाई। अच्छा बाबा। हाय गाइस। ओह हेलो यार, आई वाज मिसिंग यू सो मच। बहुत अच्छा किया तुम्हारी, बहुत भूख लगी हुई थी। आई नो, मैं इसलिए तुम्हारे लिए बाहर से खाना लेकर आई हूं। ऑल सो स्वीट, लवली ऑफ यू। वो अहमद, वो तुम्हें काम था, तुमने जाना था, देर हो रही, ओवर टाइम हो गया। और तो और पूरे घर को संभालती है, पूरे 11 बहन भाई हैं वो। 11 बहन भाई? और हाँ, उसके अब्बा की ना फैक्ट्री है। हाँ वो तो लग रहा है। क्या मतलब है? मतलब ये कि भाभी इतनी महंगाई के दौर में कौन इतने बच्चे अफोर्ड करता है। तभी तो कह रही हूँ कि बहुत अमीर पार्टी है, जो कुछ भी मांगोगे ना सब मिलेगा। और तो और अगर गाड़ी की फरमाइश की ना तो गाड़ी भी मिलेगी। एक्चुअली भाभी वो मेरे घर वालों ने ना मेरी कहीं पे शादी की बात की हुई है, इसलिए मैं हाँ नहीं कर सकता। बहुत लेट हो गई मैं, लेकिन खैर जैसे कुछ हो ना, या अगर वहाँ से मना हो तो आपने अपने सबसे पहले मुझे बताना है, ठीक है? अब एक काम करें, अब आप गाड़ी स्टार्ट करें। क्या हमजा नहीं आया? नहीं, वो एक्चुअली आंटी उसकी एक मीटिंग थी, इस वजह से वो नहीं आ सका, उसने मुझे भेज दिया। अम्मी ये हमजा के ना बचपन के दोस्त हैं, देखिए इनकी शक्ल भी उनसे कितनी मिलती है। माशाल्लाह, वैसे हमजा आता ना तो बहुत अच्छा लगता। क्यों आंटी, इसका मतलब आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा? ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम भी मेरे बेटे जैसे हो। अम्मी मैंने ना इनसे जुलेखा के रिश्ते की बात की है। जुलेखा के रिश्ते की? समझी नहीं। मेरा मतलब ये है कि इनकी शादी और जुलेखा की शादी एक साथ, मतलब इन दोनों की शादी की बात की है। तुम पागल हो गई हो क्या रजिया? क्या हो गया तुम्हें? लो, इसमें पागल होने वाली कौन सी बात है, शादी तो होनी है ना। ऐसे इनकी शादी ना कहीं और हो रही है, तो मैं दुआ कर रही हूँ कि वहाँ से कैंसिल हो जाए, ताकि इनकी और जुलेखा की शादी हो जाए। ये दोनों बहुत अच्छे लगेंगे, और जुलेखा तो वैसे ही बहुत अच्छी लड़की, बताया मैंने। चुप कर, चुप हो जाओ। बेटा मैं इसकी तरफ से तुमसे माजर चाहती हूँ, इसका तो पता नहीं क्या ऑल फॉल बकती रहती है। अरे नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मेरी शादी की फिक्र तो मेरे घर वालों को भी नहीं हुई जितनी इन्हें, मुझे तो अच्छा लगा, चलें किसी को तो मेरी फिक्र है। देखा देखा, मैंने कहा था ना आप ऐसे ही मुझे चुप करा दी थी। अच्छा मेरी बात सुने, मैं ना जुलेखा का नंबर आपके मोबाइल में ना सेव कर दूंगी, और उसको ही बता दूंगी कि मैंने ना आपको नंबर दे दिया। अच्छा सुनो, हम शादी कब कर रहे हैं? यार क्या हो गया तुम्हें? क्यों क्या हुआ, क्या मतलब, शादी तो करनी है ना। हाँ हाँ इंशाल्लाह बहुत जल्दी करेंगे। पता है हमजा, मुझे उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार है, जिस दिन मैं तुम्हारे घर पे दुल्हन बन के आऊँ। अस्सलाम मामा। वालेकुम अस्सलाम। तुम अकेले आए हो? तो मैं कौन सा रोजाना प्लम्बर लेके आता हूँ, साथ अकेले ही आता हूँ। तुम रजिया को लेने उसके घर नहीं गए? नहीं। ये क्या तरीका है हमजा, छोड़ने नहीं गए थे तो कम से कम लेने ही चले जाते। तो आप मुझे बोलती तो मैं लेने चला जाता। क्या मतलब बोल देती, तुम्हें पता नहीं था कि वो गई है तो उसे लेकर भी आना है वापस? नहीं मुझे नहीं पता था, और मुझे ये भी नहीं पता कि आगे जाकर क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तुम मेरी बेइज्जती करवाने में कोई कसर मत छोड़ना। इसमें आपकी बेइज्जती कहाँ से हो गई? मेरी ही बेइज्जती होगी, क्योंकि ये शादी मैंने करवाई थी, और तुम्हारे पापा की बेइज्जती होगी, उनकी ख्वाहिश पर शादी हुई है ये। मामा अब ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग कब तक चलेगी, कर तो ली मैंने शादी। इमोशनल ब्लैकमेलिंग, तुम्हें शर्म नहीं आती? अस्सलाम वालेकुम। अरे बेटा तुम कैसे आई? रिक्शे से। अकेली? जी।
वो क्या है ना, मुझे पता था कि ये ऑफिस में बिजी होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि रिक्शा करके घर आ जाती हूँ। लेकिन जब मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कि सीएनजी बंद है। फिर एक बंदा मिला जो कह रहा था 250 रुपए में घर छोड़ूंगा। मैंने कहा भाई 250 रुपए बहुत ज्यादा है। फिर एक बंदा मिला जो कह रहा था 220 में छोड़ूंगा। मैंने कहा फाइनल 200 रुपए दोगे तभी लेकर जाऊंगी। सवेरा कौन है? क्यों? उसका फोन आ रहा था। अच्छा खुदा के वास्ते बिल्कुल खामोश रहना, कि ओ ये भी नहीं करना। हेलो, हाँ सवेरा, कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा? यार फोन साइलेंट पर था, मेरी अभी नजर पड़ी। अच्छा सुनो हमजा, तुमने आज मेरे गिफ्ट की कोई बात ही नहीं की, मुझे इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है क्या गिफ्ट लाए हो, क्या सरप्राइज है और कब दोगे मुझे? इट्स अ गोल्ड रिंग। रियली? थैंक यू सो मच। ओह, यू आर वेलकम। अच्छा सुनो, हम शादी कब कर रहे हैं? यार क्या हो गया तुम्हें? क्यों, क्या हुआ, क्या मतलब? शादी तो करनी है ना? हाँ हाँ, इंशाल्लाह बहुत जल्दी करेंगे। पता है हमजा, मुझे उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार है जिस दिन मैं तुम्हारे घर पे दुल्हन बन के आऊंगी। क्या हो गया तुम्हें? जान कैसी बहकी बहकी बातें, अभी दोपहर तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी। क्या हो गया है, अब इस तरह की बातें मैं तुमसे नहीं करूंगी तो फिर किससे करूंगी? हाँ वैसे ये बात भी है। अच्छा लिसन सवेरा, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है तो आई एम डोजिंग ऑफ, कल बात करें? चलो ठीक है, गुड नाइट। चलो ऑलराइट, टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय। ये वही लड़की है ना जिसको आप पसंद करते? हाँ। तो क्या कह रही थी? शादी का पूछ रही थी कि कब करनी। क्या वाकई? तो कर लेना। हाँ हाँ हाँ, तो कर लेना, कौन सी बड़ी बात है। और भाई मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसले की बात ही नहीं है। इतना बड़ा घर है और सिर्फ 3 लोग रहते हैं इसके अंदर, अगर वो आके रह लेगी तो क्या फर्क पड़ता है? फिर हमारे बच्चे हो जाएंगे, उसके बच्चे हो जाएंगे, घर की रौनक बढ़ जाएगी। और वैसे सच बताऊं तो घर की रौनक बच्चों से ही होती है। तुम्हें अंदाजा है तुम क्या बोले चले जा रही हो? तुम बहुत ही सस्ता नशा करती हो, ये तभी तुम इतनी बहकी बहकी बातें कर रही हो। भाई मैं पूरे होशो हवास में हूँ। अच्छा आप सब छोड़े, मुझे उसकी तस्वीर दिखाएं। क्यों यार, दिखाएं तो सही, अल्लाह की कसम मैं उसे बिल्कुल भी नजर नहीं लगाऊंगी, पर दिखाएं तो सही। ये शौक पूरा कर लो। होए 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 होए, बड़ा कोई टाइट माल छुपा के रखा है। हाँ आपकी पसंद तो बहुत अच्छी है, प्लीज शादी कर लेना। तुम पागल वागल तो नहीं हो? तुम्हारा मियां यहाँ तुमसे दूसरी शादी के बारे में बात कर रहा है, दूसरी शादी, और तुम इतनी एक्साइटेड हो रही हो। यार आप फिक्र क्यों करते हैं, मैं हूँ ना, मैं करवाऊंगी आपकी शादी। तुम तो चुप ही कर जाओ भाई, तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैं बाथरूम में जाके सारी जिंदगी गुजार लूंगा, मुझे यहाँ से जाने दो। तुम मत हिलना यहाँ से। लेकिन ये मोबाइल, ये रख लो अपने पास, चार्जर भी रख लो, सारी जिंदगी रख लो मेरी तुम। हाय अल्लाह, कितना अच्छा मियां है मेरा, शादी भी इसकी मैं ही करवाऊंगी, देखना सवेरा से ही करवाऊंगी शादी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग आंटी। कोई बात, शुरू करो। ओके। वैसे आंटी मुझे आपसे ना एक जरूरी बात करनी थी। कहो। कुछ नहीं होगा, मैं हूँ, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बोलो बेटा क्या बात। वो क्या है ना, चाहती हूँ कि इनकी एक और शादी हो जाए। क्या? हाँ भाई, इसमें बुराई क्या है, वैसे भी हमारी अरेंज मैरिज तो हो ही चुकी है, और ये एक लड़की को भी बहुत पसंद करते, बहुत अच्छी लड़की, आप मिलेंगी तो बहुत खुश होंगी। वैसे भी लाइफ में एक मैरिज तो होनी चाहिए ना, क्यों रहमत आंटी।
मैं क्या राय दे सकती हूँ? मतलब हाँ नहीं पता नहीं, कुछ तो कहे। मुझे कुछ नहीं पता, मैं चूल्हे पे दूध रख के आई, मैं जा रही हूँ। भाई जो कुछ भी है मुझे तो कोई एतराज नहीं है, और मुझे लगता है आपको भी हाँ कर देनी चाहिए, है ना आंटी? रजिया तुम चुप रहो, और हमजा ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या कह रही है रजिया? रजिया ठीक कह रही है मामा। तुम किसी और को पसंद करते हो? मामा मैं अब से नहीं, मैं बहुत पहले से किसी को पसंद करता हूँ। मैं इसी वजह से रजिया से शादी नहीं करना चाह रहा था। और जो वो कह रही है दूसरी शादी का, वो जब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मसला क्या है? दूसरी शादी करना कोई गुनाह तो नहीं है? हमसा लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? मामा पहली शादी मैंने आपके और बाबा की ख्वाहिश के मुताबिक की, अब मैं लोगों की फिक्र शुरू कर दूं? मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं। यानी तुम दूसरी शादी करने का फैसला कर चुके हो? हाँ जी, मैं सवेरे से दूसरी शादी करने का फैसला कर चुका हूँ। तू पागल हो गया? दूसरी शादी करेगा? हाँ तो तुझे क्या तकलीफ है? अबे मेरी एक नहीं हो रही तो दो बीवियां रखेगा? अहमद तुझे मैंने कितनी दफा कहा कि जब सीरियस बात हो रही हो तो मजाक मत किया कर बीच में। अच्छा सॉरी, लेकिन हमजा तुझे नहीं लगता कि यार दो शादियां करना मुनासिब नहीं होगा? हाँ तो शादी तो मैं एक ही कर रहा हूँ। देख ये जो था ये तो बस नाम की शादी है, और हो सकता है चंद दिनों तक मैं इसे छोड़ भी दूँ। अब ये जरूर करना, भाभी बहुत सीधी और शरीफ थी, उस दिन उनसे मिलकर अंदाजा हुआ है, और उनकी वादा तो बहुत ही सीधी खाती है। जाती करेगा यार, तुम अपना लेक्चर ना अपने पास रखो, और ये मत भूलो कि तुम मेरे दोस्त हो उसके नहीं हो। देख लेंगे यार, सोच लेंगे, अभी फिलहाल जल्दी करो, सवेरे को टाइम दिया है, उसको जाकर भी ये सारी बातें बतानी है। ये शादी की बात तू सवेरे को बताएगा? हाँ। और तुझे लगता है कि ये बताने के बाद वो तुझसे शादी के लिए तैयार हो जाएगी? हाँ हाँ नहीं पता नहीं, लेकिन देख मेरे बाप, इसीलिए मैं तुझे अपने साथ लेके जा रहा हूँ ताकि तू वहां पर जाके मेरे बिहाफ पर इस केस को प्लीड करेगा, उसको कन्विंस करेगा, और ये सारी बातें तू अपने मुंह से खुद अच्छे तरीके से बताएगा। अबे तुझे लगता है कि मैं उसकी अम्मी हूँ? फिर वही बकवास, तुम सारा दिन बिठा के यहाँ पे मजाक करा करो, अभी फिलहाल जल्दी उठ, हमें देर हो रही है, वो वेट करी वहां पर। अच्छा अच्छा अच्छा, रास्ते से ना दो हेलमेट ले लेना प्लीज। क्यों? जाहिर सी बात है तू बात बोलेगा तो वो बर्तन मारेगी, सर जख्मी हो सकता है, हेड इंजरी का खतरा है। फिलहाल तो मैं ये लैपटॉप उठा के तेरे सर में मारूंगा, जल्दी कर, हमारा वेट करिए वो। आजा हेलो हेलो, शुक्र है तुम दोनों आ गए, मैं कब से वेट कर रही थी। अच्छा आप दोनों यहाँ बैठे, मैं किसी और टेबल पे बैठा हूँ। क्यों, आप पर्दा करते हैं? नहीं मैं एहतियात करता हूँ। किससे? अब ऐसे ही आपका अहमद, अगर तुमने हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खाया दोस्त, तो यार खाने में बरकत नहीं आएगी, प्लीज बैठ जाओ। अच्छा अगर आप दोनों कहते हैं तो फिर मैं बैठ जाता हूँ। हाँ तो मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी खास बात करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया? यार जान, यस पहले लंच कर दे। नहीं नहीं पहले लंच नहीं, मुझे बात बताओ कि बात क्या है आखिर? बाद में लंच नहीं कर पाएंगे। हेलो गाइस, ये क्या इशारों में बातें हो रही हैं? What's wrong? Since I'm madly, deeply in love with you, and of course was considering to spend my entire life with you, and of course hoping that you would feel the same way, will you marry me? How sweet, Hamza. I'll marry you. Thank you so much. Kaddu.
सुबह ना बस एक एक छोटी सी प्रॉब्लम सी है, कोई खास नहीं बात नहीं है। क्या? इसकी शादी हो चुकी है। अहमद आप कितना मजाक करते हैं ना, कभी तो सीरियस हो जाया करें यार। जान वो मजाक नहीं कर रहा, लेकिन देखो इसमें थोड़ा सा सच है। ये क्या कह रहे हो तुम हमसा? वो देखो असा, लिसन स्वीटहार्ट, मेरी जान, मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन वो मेरी वजह से नहीं हुई, वो मामा के प्रेशर की वजह से हुई है। और मैं वादा करके कहता हूँ कि तुम्हारे अलावा मैंने जिंदगी में कभी किसी और लड़की से मोहब्बत नहीं की, ना मैं कभी करूंगा। एक मिनट हमजा, तुम आई डोंट बिलीव दिस, तुम झूठ बोल रहे हो ना? नहीं, तुम अगर मेरी नजर से देखो तो मैं इस शादी को हकीकत नहीं मानता, ठीक है? Look at the brighter side. उस लड़की ने इजाजत दे दी है कि मैं तुमसे शादी कर लूं। वाह! Shut up! मैं उसकी परमिशन में बैठी हूँ। तुम कितने घटिया निकलोगे मुझे अंदाजा नहीं था। तो मेरी मजबूरी तो समझो यार। तुम्हारी मजबूरी? चुप है मुझे मजबूरी, दफा हो जाओ। अंगूठी साथ लेके जाओगी ना? ओह यस, गुड आइडिया, ये लो तुम्हारी अंगूठी। सवेरा, एक एक सवेरा, डार्लिंग जान, कुकू, हेलो, मेरा शुक्रिया अदा कर, तेरा लॉस होने से बचा लिया, अंगूठी वापस कर गई। यार तुम तो बकवास ही बंद करो। मैं आंटी को समझा चुकी हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे साथ नाइंसाफी नहीं हो सकती है, बल्कि उल्टा आपके साथ नाइंसाफी होगी। पहले वो समझ रही थी कि अगर आपकी दूसरी शादी हो जाएगी तो मेरे साथ नाइंसाफी होगी, लेकिन मैंने उन्हें समझा दिया है कि अगर आपकी पसंद की शादी नहीं होगी तो आपके साथ नाइंसाफी होगी। रजिया, मेरी दूसरी शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो, उसको पता चल गया कि मेरी शादी हुई है और बहुत सख्त नाराज है मुझसे। लो, अब ये क्या बात हुई? तुम्हें नहीं पता, बहुत तेज है गुस्से की, और मैं एक लिहाज से देखा जाए तो धोखा तो दिया मैंने उसे। इसमें सारी गलती है तो वैसे आपकी, आपको पहले उससे शादी करनी चाहिए थी, बाद में मुझसे शादी करनी चाहिए थी। मेरी तो खैर है, मैं कौन सा बुरा मानती हूँ। देखो जो होना था वो हो गया, और आगे भी वही होगा जो किस्मत में लिखा होगा। जो कुछ भी है, लेकिन अब आप फिक्र मत करें, आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि वो वापस आ जाएगी, मैं लेकर आऊंगी। जी अच्छा, इसी चीज का तो डर है कि अब इसके हाथ में चीज गई तो गेम ही ओवर। इतनी मीठी चाय सारे चीनी कसी में डाल दी, तुम्हें कहा था मैंने कि मैं डाइट पे हूँ, लेके जाओ उसे। कोई बात नहीं, मैं दूसरी ले आती हूँ। That was rude. सुने जी, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगी? आगे तक छोड़ दूं क्यों? मेरा नाम रजिया है, तो मैं क्या करूं? देखिए प्लीज, माना मत कीजिएगा, मैं बस पैसे नहीं है। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ गाड़ी में। हाँ ठीक है। चले एक बात बोलू मैं आपसे? बोलो। आप बहुत प्यारी हैं, बहुत खूबसूरत। थैंक यू। और तो और आपकी तरह आपका नाम भी बहुत अच्छा है, सवेरा। लेकिन मैंने तो आपको अपना नाम बताया नहीं। मुझे आपने नहीं बल्कि हमजा ने आपका नाम बताया। एक मिनट, तुम हमजा को कैसे जानती हो? क्योंकि मैं हमजा की बीवी हूँ। व्हाट? देखिए वो ना आपसे बहुत मोहब्बत करते, आप उनसे शादी कर ले। How dare you? देखिए आपने जो भी बात करनी ना उर्दू में बात करें, मुझे अंग्रेजी बिल्कुल भी समझ नहीं आती। हाँ इंटर जरूर किया, थोड़ी बहुत समझ लेती हूँ, लेकिन ये आप इतनी सारी बोल रही हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। और अभी जो बोला ना ये तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? अच्छा
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसका मतलब हाउ, और बाकी का क्या कहा था आपने? मैं कहती हूँ उतरो मेरी गाड़ी से। अच्छा सुने, लेकिन लेकिन मुझे तो वहाँ आगे उतरना। आई सेट मेरी गाड़ी से इसी वक्त उतरो, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। लेकिन आप बुरी कहाँ से हो सकती हैं? आप अच्छी हैं तभी तो हमजा भाई, मेरा मतलब है कि जब तो हमजा आपको पसंद करते। शट अप, नाम मत लेना उस घटिया आदमी का। बुरी बात है, ऐसे नहीं बोलते। फॉर गॉड सेक उतरो मेरी गाड़ी से, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। उतरो। नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए प्लीज मुझ पर गोली मत चलाइएगा, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। और पता है हमारे इलाके में ना पिछले साल जून जुलाई में बहुत तेज फायरिंग हुई थी। उतरो मेरी गाड़ी से, उतरो। बहुत सारे बंदे भी मर गए थे। उतरती हो? नहीं नहीं, मैं ये कैसे खुलता है? सुनो तुम, उतरो। मैं उतर रही हूँ, देखो मैं उतर गई हूँ, लेकिन तुम मेरी बात। उतरो, बंद करो दरवाजा। कहाँ कहाँ से उठ के आ जाते हैं। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? नहीं नहीं, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, तुम्हें तो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए यहाँ पे। क्या वाकई? चुप कर जाओ, चुप, पुप कर जाओ, पुप, चुप। वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसका दिमाग ना बहुत तेज है। एकदम चीखने चिल्लाने लगी थी गाड़ी में वो, तो उसने मुझे मारने की धमकी दी तो मैं डर के मारे भाग निकली। क्या वो अपने साथ गन लेकर घूमती है? ये क्या फजूल सवालात कर रही हो तुम यार, तुम क्या हो? अरे मैं तो इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आजकल तो लाइसेंस वाला असला भी लेकर घूमने में पाबंदी है। अगर वो अपने साथ गन लेकर घूमती है ना तो बड़ा मसला हो जाएगा, और अगर वो पकड़ी गई तो गैर कानूनी है। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया, मुझे अपनी टेंशन पड़ी हुई और तुम पता नहीं कहाँ कहाँ की स्टोरियाँ सुना रही हो। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं सॉरी करती हूँ आपसे, मुझसे बहुत फोन भी नहीं उठा रही हूँ मेरा। हो सकता है वो वॉशरूम में हो। वॉशरूम में वो नहीं रहती, वो या वैसे हो सकता है बाकी हो गई हो। देखिए मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि देखो टाइम यार, तू मुझे किन बातों में लगा रही है, पागल कर दूंगी तुम तो मुझे, हटो यहाँ से। हमजा साहब कोई लड़की आपसे मिलने आई है। वो मामा कहाँ है? वो तो अपने कमरे में है। और वो कहाँ है? ये रजिया। रजिया अभी भी किचन में है मेरे साथ। सुबह सुबह कौन लड़की आ गई मिलने के लिए? आपने उससे नाम नहीं पूछा? हाँ सवेरा नाम बताया था। सवेरा तुम? हाँ मैं। हमजा मैंने बहुत सोचा, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए तुम्हें एक चांस और देना चाहिए, सो मैं यहाँ आ गई। ओह थैंक यू सो मच, लेकिन एटलीस्ट मुझे बता तो देती कि तुम आ रही हो। अरे बाबा अगर बता देती तो फिर सरप्राइज कैसा रहता? लुक एट योर फेस, कितने कंफ्यूज लग रहे हो पागल। हाँ है? मैं नहीं नहीं यार, ये देखो ऐसी तो कोई बात नहीं। हाँ तो फिर चल के साथ नाश्ता करें। नाश्ता? हाँ नाश्ता, वो तुम्हारी जाहिल बीवी है ना, वो किचन में हमारे लिए नाश्ता बना रही है, अब चलें। ये लीजिए गर्मा गर्म पराठे। पराठे? Excuse me, मैं डाइट पे हूँ, मुझे सिर्फ एक कप चाय चाहिए। अरे डाइटिंग वाइटिंग से कुछ नहीं होता, मैं तो कहती हूँ इंसान को सब कुछ खाना चाहिए, एक बार खाकर तो देखे। गरम गरम मैंने खुद अपने हाथों से बनाए। तुम जाहिलों को क्या मालूम कि डाइट से क्या होता है और क्या नहीं होता, अपने काम से काम रखो और मेरे लिए चाय लेके आओ। चाय अभी आ जाती है? वैसे हमजा मैं ये प्लान करके आई थी कि हम शादी की शॉपिंग ना आज से ही शुरू कर देंगे। हाँ जैसे तुम कहो, तो जैसे तुम्हारी मर्जी, बल्कि ईद और शादी की शॉपिंग इकट्ठे हो जाएगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है हमजा कि तुम मेरे यहाँ आने से खुश नहीं हो? नहीं थी ऐसी बात नहीं, ये सो कर उठा ना तो थोड़ा सा ऑफ चल रहा हूँ। कोई बात, ये लीजिए चाय। आपको कुछ चाहिए? नहीं। इतनी मीठी चाय, सारे चीनी कसी में डाल दी। तुम्हें कहा था मैंने कि मैं डाइट पे हूँ, लेके जाओ उसे। कोई बात नहीं, मैं दूसरी ले आती हूँ। That was rude. आ जाओ। बीबी वो लड़की आई है। कौन लड़की? वही जिससे हमजा साहब शादी करेंगे। क्या? लेकिन वो यहाँ क्या कर रही है? बाहर बैठी नाश्ता कर रही है। बीबी जी मेरा बोलना बनता तो नहीं है, लेकिन आप उसे अपनी बहू नहीं बनाइएगा। क्यों? बहुत बदतमीज लड़की है,
मैं देखती हूँ ये क्या तमाशा लगा रखा है। अब तुम क्या हमारे सर पे ही खड़ी रहोगी? जाओ किचन में। ये सब क्या हो रहा है? हमजा ये कौन है? ये मामा है सवेरा। मामा? आंटी कैसी हैं आप? आंटी वैसे मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, आपने ना हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। क्या क्या अच्छा नहीं किया? हाँ ना आंटी, आप तो जानती हैं कि मैं और हमजा कितने टाइम से एक दूसरे को पसंद करते हैं, और आपने इसकी शादी इस गवार के साथ कर दी। ज़बान को लगाम दो, ये बहू है इस घर की। अरे नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, सवेरा भी गुस्से में है ना, इसीलिए इस तरह कह रही है। इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो बहुत अच्छी इंसान है। वैसे आंटी मैं सोच रही थी कि आज हम शादी की शॉपिंग पे ना चले जाएं, आप भी हमारे साथ चलें। आप चलेंगी तो मुझे खुशी होगी, और वैसे भी आप मेरी होने वाली सास हैं। क्यों हमजा? फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। हमजा तुम्हारी मामा तो बहुत गुस्से वाली लगती है मुझे, बिलावजह मुझ पे गुस्सा हो रही है, आंखें दिखा रही है मुझे। अरे नहीं नहीं आंटी, तो बिल्कुल गुस्से वाली नहीं है, तभी सोकर उठी ना, इसलिए ब्लड प्रेशर हाई हुआ हुआ है। शॉपिंग पे जाने तो साथ चलती हूँ आपकी। वेल एक्चुअली अ गुड आइडिया, यू नो मुझे सामान उठाने के लिए एक नौकरानी की जरूरत है, तुम चलोगी तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आपको जूस दूँ? इसमें चीनी मैंने बिल्कुल भी नहीं डाली है। I don't understand कि तुमने उस बेवकूफ जाहिल लड़की के साथ शादी कैसे कर ली। How could you? सवेरा ने जिस तरह तुम्हारे साथ बिहेव किया वो मॉरली और एथिकली तौर पे रॉन्ग है। I mean, मुझे अच्छा नहीं लगा। मजा आया ना शॉपिंग करने में? देखिए कितनी गलत बात है, आपने मेरी पसंद की एक भी चीज नहीं ली। You are right. वैसे तुम्हारी पसंद इस काबिल थी ही नहीं कि मैं कुछ लेती। अरे 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 कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको पता है मेरे खानदान में जब भी किसी की शादी हुई है ना तो हमेशा कपड़े मैंने ही बनाए। इवन अभी किसकी शादी हुई थी? हाँ शन्नू खाला की, तो सारे कपड़े मैंने बनाए, उनके बच्चों के, उनकी सास के। अभी ये मैं क्या देख रहा हूँ, शेर और बकरी एक ही घाट में पानी पी रहे। क्या मतलब? अबे तू इस वक्त शॉपिंग मॉल के फूड कोर्ट में बैठा है ना। तू कहाँ है? सामने देख। सामने तो फूड काउंटर पे एक लड़की लंबे बालों वाली, ये तू है? अबे इधर देख, हमने है वो, सामने इधर देख। तू यहाँ पे क्या कर रहा है? बस यार टाइम पास के लिए आया हुआ था, तुम लोगों को देखा तो कॉल कर ली। तुम एक काम करो, रजिया को अपने साथ लेके ना, वो बाहर नहीं बाहर नहीं गई, करीबी बैठ जाओ। We need some privacy. क्यों? Privacy? Food court में? वैसे मुझे कोई इतराज। तुम जाओ। ठीक है। वैसे भी मुझे अहमद भाई से ना बहुत जरूरी बात करनी थी। आजी आजी। हाँ। मुझे ना वैसे आपसे बहुत सारी बातें भी करनी थी। सवेरा ये मुनासिब नहीं है। I mean वो हमारे साथ आई थी। What do you mean by मुनासिब नहीं था? क्या मतलब है? देखो हमें भी तो कुछ वक्त साथ चाहिए ना, वी नीड प्राइवेसी। ये सारा वक्त वो हमारे साथ चुपकी रहेगी। आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुमने उस बेवकूफ जाहिल लड़की के साथ शादी कैसे कर ली। हाउ कुड यू? अरे आप आ गए, आपका तकिया और चादर सोफे पर रख दिए। नहीं आप इससे और बाहर जाना चाहते हैं तो मैं। नहीं नहीं थैंक यू। थैंक यू की क्या जरूरत है, ये तो मेरा काम है। रजिया मैंने तुमसे सॉरी कहना था। सॉरी? मुझसे क्यों? देखो सवेरा ने जिस तरह तुम्हारे साथ बिहेव किया वो मॉरली और एथिकली तौर पे रॉन्ग है। I mean, मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे छोड़े यार, थोड़ा बहुत तो चलता ही है, अगर बर्दाश्त नहीं करूंगी तो फिर साथ कैसे रहूंगी, बड़े तो अभी बहुत होंगे। तुम्हें आइडिया है कि तुम थोड़ी डिफरेंट टाइप की लड़की हो? क्यों, मेरे क्या सिंग निकले हुए?
मुझे पता है कि मैं बाकी सब जैसी हूँ, इसलिए मैं मजाक कर रही थी। नहीं नहीं, तुम वाकई में डिफरेंट हो। आप कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। वैसे मेरी अम्मी ने समझाया था कि शौहर के आगे कभी बहस मत करना, जैसा वो कहे हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ में हाँ मिलाना बस। तुम अपनी अम्मी की बातों को कुछ ज्यादा नहीं सीरियस ले लेती? अरे लेनी भी चाहिए। अरे मैंने तो उनकी नसीहतें अपनी डायरी में भी लिख रखी हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। अच्छा ना, अच्छा मेरे पास एक बड़ी सी डायरी है ब्लू कलर की, लेकिन जो मेरी दोस्त है ना अस्मा, उसके पास छोटी डायरी है, तो मैंने सोचा कि इतना वजन उठाने से बेहतर है कि मैं एक छोटी। रोज रोज आने का मकसद पूछ सकती हूँ? आंटी साफ सी बात है, कल तो बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं हो पाई, सिर्फ जूते लिए थे मैंने और ड्रेसेस अभी भी लेना बाकी है। तो तुम्हें जहमत करने की क्या जरूरत थी, फोन कर देती, हमजा और रजिया आ जाते। आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? काफी समझदार हो। सूट तो बड़ा अच्छा पहना है तुमने, यकीनन खरीदा तो नहीं होगा। बीबी जी ने दिया। वैसे बुरा नहीं मानिएगा आंटी, ये ना नौकर जानबूझ के करते हैं हरकतें, कपड़ों में नुक्स निकाल देते हैं ताकि घर के मालकान उन्हें खुद ही कपड़े गिफ्ट कर दें। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बहुत पुरानी मुलाजमा है। हाँ तो क्या हो गया, है तो मुलाजमा ना, पुरानी हो या नहीं। और वैसे भी नौकरों की फितरत में तो होता ही चोरी करना। उठो, उठो यहाँ से। मगर क्यों? मैं कह रही हूँ उठो और निकलो यहाँ से, चलो। आंटी आप उस 2% की नौकरानी के लिए मुझे इस घर से निकाल रही हैं, अपनी होने वाली बहू को। कोई बहू वहू नहीं है, मेरे बेटे की अकल पर तो पत्थर पड़ गया, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। फिलहाल तो आप मुझे पागल लग रही हैं। ओह आराम से, हाँ ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, बड़ी है वो तुमसे। लो एक और जाहिल आ गई इस घर में। देखो तुम्हें जो कुछ भी बोलना है ना मुझे बोल दो, लेकिन आंटी को एक लफ्ज भी कहा ना तो मुक्के मार के तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगी। और वैसे भी मोहल्ले की सबसे बड़ी डॉन हूँ मैं, बहुत फट्टेबाज लड़की हूँ मैं, डरती वरती नहीं हूँ किसी से। और ये दांत अगर टूट गए ना तो सोच लेना दांत टूटी हुई दुल्हन कैसी लगती है, पता है ना पूरा जबड़ा बाहर आ जाएगा तुम्हारा। क्या कहा तुम, मुझे मुक्का मारोगी? माय गॉड, यहाँ तो सारे के सारे जाहिल हैं। हाँ 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 हाँ, तुम तो बड़ी कोई तालीम याफ्ता हो। मैंने तुमसे कहा कि निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देकर घर से निकलवा। मैं बहुत जोर से धक्का देती हूँ, मुझे भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है, वापस मत आना कभी लौट के भी। आप बैठ जाए, मैं ना आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। बोलो क्यों बुलाया? देखो हमजा, हमने बहुत सारा टाइम एक साथ बहुत अच्छा गुजारा है, मैं चाहती हूँ कि इस ताल्लुक को एक अच्छे नोट पे आके खत्म कर दें। मतलब ये कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मगर छोड़ो हमजा, मैं एक मैरिड इंसान के साथ शादी नहीं कर सकती। देखो अगर तुम घर में होने वाले हंगामे की वजह से परेशान हो या नाराज हो तो आई कैन डू समथिंग फॉर इट। नहीं हमजा, उसमें गलती मेरी भी थी और मैंने बदतमीजी जानबूझ के की थी, और सच पूछो तो तुम्हारा भी कसूर था उससे। मुझे अगर पहले मालूम होता कि तुम शादीशुदा हो तो बात यहां तक नहीं पहुंचती। खैर जो हुआ अच्छा हुआ, शायद मेरे नसीब में यही था। Anyways, सब भूल जाओ, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी कि तुम खुश रहो, तुम भी मेरे लिए दुआ करना कि मैं खुश रहूं। चलती हूँ। अपनी बीवी से मेरी तरफ से माजरत कर रही हूँ, वो बहुत अच्छी लड़की है और नाजुक सी बोली वाली सी, मैंने उसे जो भी कहा अपनी जलन में कहा। I was jealous. फिर
फिर मैंने उसे धक्के देकर रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया और मैंने कहा खबरदार यू इडियट गर्ल, दोबारा अगर तुम मेरी जिंदगी में वापस आई तो। क्या वाकई आपने उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया? क्योंकि अब मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तुम, मेरी रजिया, मेरी बीवी। अब ऐसे क्या देख रही है, चलिए लेट हो रहे हैं हमें। ये तुमने क्या पहना हुआ है जान, हम कहीं पान लगाने जा रहे हैं क्या? तो पता कैसे चलेगा कि हम हनीमून पे जा रहे हैं? जाओ जाके चेंज कर। अरे क्यों चेंज करके, इतने अच्छे तो लग रहे हैं कपड़े, जाओ। मामा लग रहे नॉर्थ कोरियन दुल्हन है कोई, जाके चेंज करके आओ, अच्छे कपड़े पहन के आओ, डिसेंट चलो। मेरी बात सुनो, अब तुमने इसके साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया ना, तो इसकी पसंद ना पसंद का भी ख्याल रखना पड़ेगा। चलो जाओ चलो। हाँ ओके।